नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सैटरडे पॉडकास्ट में। हम बात कर रहे हैं लो बैक पेन के बारे में। आज हम बात करेंगे डिस्कोजेनिक पेन के बारे में या डिस्क डिजीज के बारे में। तो ये बात समझने की है कि जो लो बैक पेन होती है वो सारे के सारे दर्द पैर में नहीं जाते। 70-80% पेशेंट में पेन कमर में रहता है और ये आगे झुकने से, वजन उठाने से, खांसने से, टॉयलेट जाने से, इस तरह के काम करने से ये दर्द बढ़ता है, लंबा बैठने से या बहुत चलने से। और एक दुखन कमर में रहती है, कमर के निचले वाले हिस्से में, और ये दर्द कभी भी पैर में नहीं जाता और अपने डे टू डे काम करने में मरीज को काफ़ी परेशानी होती है। ये जो पेन है इस तरह का, ये डिस्क के डिजनरेशन की वजह से होता है, क्योंकि डिस्क खराब हो जाती है इसलिए उस पर जैसे ही लोड पड़ता है वो पेन करती है और उसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है। और ये डिसेबिलिटी आदमी को काम करने में बड़ा परेशान कर सकती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि इसमें दर्द कमर में रहता है, बैक में, नीचे लेग्स में नहीं जाता। और इसका इलाज करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। जो रूटीन की दवाइयाँ हैं, न्यूरोपैथिक मेडिसिन है, वो इस डिस्क डिजीज में काम नहीं करती। इसके लिए एक हम खास तरह का प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम इंट्राडिस्कल आरएफए करते हैं, जिसको बाइकोप्लास्टी भी कहते हैं। इसमें हम डिस्क के अंदर जाके जो उसका हिस्सा है जो पेन करता है उसको आरएफए करके पेन फ्री करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा करने से लगभग 80-90% लोगों की सर्जरी बचाई जा सकती है। थैंक यू।